सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहां सुबह के मुख्य समाचार। रंग बिरंगे फूलों लाइटों से सजे हिमाचल के शक्तिपीठ, जाने कपाट खुलने का समय। चैत्र नवरात्र के लिए हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ और अन्य मंदिरों का रंग बिरंगे फूलों लाइटों से श्रृंगार किया गया है। आज पहले नवरात्र पर मंदिरों के कपाट सुबह 4 और 5 बजे खुल गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर और संबंधित जिला प्रशासनों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मंदिरों में सुबह कन्या पूजन हुआ, वहीं छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 4 और नंदिगेश्वर धाम चामुंडा ब्रजेश्वरी ज्वालामुखी व श्री नैना देवी शक्तिपीठ के कपाट सुबह 5 बजे खुल गए। श्रद्धालु आज तड़के ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल देर रात करीब 10:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके प्रदेश के अधिकतर जिलों में महसूस किए गए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलाए। 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें कि मंडी जिले में एक सरकारी इमारत में दरार आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में जमीन के अंदर 156 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 रही। भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। कांगड़ा के लंज की रजनी रानी ने कहा कि वो घर पर सोई हुई थी, ऐसा लगा जैसे कोई उनको हिला रहा है, उठकर भूकंप के झटके महसूस होने लगे। नगरोटा सूर्या की पंचायत मसूर के गांव सापरी निवासी सिकंदर सिंह ने बताया कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे थे कि अचानक उन्हें झटके लगे। हिमाचल के 6 जिलों में होगी मुलेठी की खेती, पायलट स्तर पर शुरू होगी योजना। हिमाचल प्रदेश में अब मुलेठी की खेती शुरू होगी, इसके लिए पायलट स्तर पर योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर जिला शामिल है। जिला हमीरपुर के नादौन का क्षेत्र और जिला ऊना के साथ लगते क्षेत्र को चयनित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुलेठी की खेती की जाएगी। इसमें हरियाणा HA1 वैरायटी का प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया गया है। इस योजना के तहत जिला ऊना का क्षेत्र बहुत उपयुक्त पाया गया है। इस वर्ष ट्रायल आधार पर चयनित क्षेत्रों में मुलेठी के पौधे लगाए जाएंगे। वर्ष 2026 में यह फसल तैयार हो जाएगी। 3 साल में मुलेठी की फसल तैयार हो जाती है। 15 मई को तैयार होगा कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परियोजना कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन का निर्माण कार्य 15 मई को पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मंडी के परियोजना निदेशक ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी उद्घाटन शेड्यूल तय होने में वक्त लगेगा। इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के 9 बैच को CDL कसौली से ग्रीन टिक। देश में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के 9 बैच को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कसौली से ग्रीन टिक मिला है। ये बैच जनवरी में यहां पहुंचे थे। इसके बाद प्रयोगशाला में इनका परीक्षण किया गया और अब तक 9 बैच को CDL ने पास कर कंपनी को भेज दिया है। वहीं अब कंपनी इन बैच को बाजार में उतारेगी। बता दें कि बुखार, जुकाम जैसे लक्षणों से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को इस वैक्सीन से फ़ायदा मिलेगा। यह इन्फ्लुएंजा वायरस की अग्रिम स्तर की वैक्सीन है, जो व्यक्ति में वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मंडियों में कौड़ियों के भाव, बिक रहा आलू, किसान निराश। आलू की 4 माह वाली फसल पकने में महज 20 दिन का समय शेष है। इस बीच मंडियों में आलू के दाम काफ़ी कम हो गए हैं। बड़ी मंडियों में आलू के थोक भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल है। अगर यही दाम कायम रहे तो किसानों के लिए फसल पर किया खर्च पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। जानकारी के अनुसार ऊना के मैदानी क्षेत्रों में करीब 600 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती होती है। CM सुक्खू बोले, मैंने कहा था हिमाचल की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो होगी श्रीलंका जैसी हालत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्वीकारा कि मैंने कहा था कि हिमाचल की आर्थिक हालत को नहीं सुधारा तो यहां स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी।
बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते विधायक नीरज नैयर ने कहा कि बजट नई सोच के साथ लाया है। चंबा के हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, हवाई कनेक्टिविटी होगी, चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वहीं पैट स्कैन सुविधा होगी। भाजपा के साथ चंबा के 3 विधायक चुनकर आए हैं, उनको भी विकास में सहयोग करना है। मंगला से चुवाड़ी सुरंग बनती है तो कांगड़ा का 50 किलोमीटर सफर कम होगा। यह सबसे कम लागत में छोटी सुरंग बनेगी, संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर शराब के ठेकों की नीलामी से आय बढ़ेगी, हमने नारा दिया शिखर की ओर हिमाचल और आपने कहा श्रीलंका की ओर हिमाचल। सुखू ने नैर की इसी पर अपनी बात स्पष्ट की। सुखू बोले कि सदस्य अगली बार चर्चा में हिस्सा लेने से पहले अध्ययन करके आए। प्राइवेट बस ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों को केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन खरीदने पर कोई उपदान नहीं देती है। हिमाचल में यूजी डिग्री कोर्स का सिलेबस 31 मार्च तक होगा तैयार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। 31 मार्च तक यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप यूजी डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे ईसी से मंजूरी दिलाई जाएगी, इसे विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाकर लागू किया जा सकेगा। तैयारियों की समीक्षा और नीति पर चर्चा के लिए मंगलवार को प्रदेश विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इसमें प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने पीपीटी के माध्यम से शिक्षा नीति पर विस्तार से जानकारी दी, कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियाँ की जा चुकी हैं। जल शक्ति विभाग में 5 लाख से कम के टेंडर अब ऑफलाइन होंगे। जल शक्ति विभाग में अब 5 लाख रुपए से कम के टेंडर ऑफलाइन होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही ऑफलाइन टेंडर पर रोक लगा दी थी, अब सरकार ने इनकी बहाली कर दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विकास कार्यों को गति मिलेगी, पानी की नई पाइपलाइन बिछाने, टैंक निर्माण आदि कार्य जल्द हो सकेंगे। 5 लाख से ज़्यादा के टेंडर पहले की तरह ऑनलाइन ही होंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य के दौरान कनिष्ठ और अधिशांसी अभियंता को मौके पर मौजूद रहने को कहा है। केंद्र के पास फंसे एनपीएस के 9,243 करोड़ रुपए, विधायक राजेंद्र राणा के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखू ने दिया जवाब। भारत सरकार के पास न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के हिस्से के तौर पर हिमाचल के 9,243 करोड़ रुपए जमा है। इस राशि को वापस लौटाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया था, लेकिन पीएफआरडीए ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। यह जानकारी सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल के 1,30,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया है और कैबिनेट में हुए इस फैसले से केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। अभी वहां से जवाब का इंतजार है। वहीं मई 2003 से पूर्व नियमित रूप से नियुक्त हुए कर्मचारी पहले से ही ओपीएस के तहत हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में ए टू जेड समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।